का रियल प्यार। गौरव की असली अनुपमा। गौरव आकांक्षा की लव स्टोरी। अनुपमा के अनुज जो रियल लाइफ में बेहद रोमांटिक है, उतने ही रोमांटिक रियल लाइफ में भी है। और सास बहू और बेटा में आज हम मिलाएंगे अनुज की रियल लाइफ अनुपमा से। जी हाँ, गौरव खन्ना की बीवी है आकांक्षा चमोला और ये है बेहद ही लवी डवी कपल। इनकी शादी को 5 साल पूरे हो गए हैं और 24 नवम्बर यानी की आज है दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी। और ये दोनों कुछ इस तरह रोमांटिक अंदाज में अपनी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो सास बहू और बेटिया के साथ गौरव खन्ना ने अपनी बीवी आकांक्षा के लिए प्लान किया है एक रोमांटिक सरप्राइज, जिसमें होगी लॉन्ग ड्राइव। रोमांटिक मोमेंट्स। डिनर डेट। और आकांक्षा के लिए ढेर सारे सरप्राइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं गौरव और आकांक्षा के साथ लव स्टोरी वाला डे आउट। शुरू हुआ लव बर्ड्स का सफर। हालांकि ये सफर मुंबई से दमन तक का है, लेकिन गौरव ने आकांक्षा को अब तक बताया नहीं है कि वो लोग दमन जा रहे हैं, क्योंकि गौरव आकांक्षा को देना चाहते हैं सरप्राइज। हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना और मैं हूँ आकांक्षा के साथ, जो मेरी बेटर हाफ हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खूबसूरत रोड पे और इतनी धूप में सड़क पे क्यों खड़ा हूँ। मैं सड़क पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको कहीं पैदल नहीं ले जाऊंगा, मैं गाड़ी में लेके जाऊंगा, लेकिन मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ वो इनको नहीं पता है। धूप में ज़्यादा देर खड़ी मत रहो, धूप को प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम चमक रही हो इसलिए। खैर, तो आप हमारे साथ चलिए और आप देखते हैं आगे कारवां इनको कहाँ लेके जाता हूँ मैं। जब दो प्यार करने वाले किसी ट्रिप पर जाते हैं तो सफर और भी ज्यादा सुहाना हो जाता है। और ऐसा ही सुहाना सफर है गौरव आकांक्षा का, जहां दोनों की मस्ती चल रही है और गाने गुनगुनाते हुए दोनों सफर का मजा उठा रहे हैं। आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी, फोन को उठाओ जी, डैडी को लगाओ मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ जी। हेलो अंकल, नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं। बस एक महीने में आपकी लड़की जितना, ओह माय गॉड, जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। है घर, है पैसा, है गाड़ी, आप दो जोड़ी में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। अंकल घर है, पैसा है, गाड़ी बाय, आप इस जींस में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी, ओके बाय। एंड दैट्स हाउ वी सिंग, यू नो, वी जस्ट, इट वाज नॉट रोमांटिक, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, इट वाज नॉट रोमांटिक। शी अंडरस्टैंड्स माय स्टूपिड सेंस ऑफ ह्यूमर। नो, मुझे रोमांस से याद है, आई हैव अ सॉन्ग फॉर यू। ओके, अ जेन्युइन सॉन्ग, जेन्युइन सॉन्ग, एंड देन यू हैव टू कम विद अ गुड कमबैक। ओके ओके ओके, तुझ में रब दिखता है मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। फाइनली पूरा हुआ मुंबई से दमन तक का सफर और मियां बीवी पहुंचे होटल रूम में, जहां गौरव ने पहले से ही आकांक्षा को इम्प्रेस करने की तैयारी कर रखी थी। और ये सरप्राइज देख के आकांक्षा बेहद खुश हो गई। साथ ही दोनों ने कराई रूम की सैर और साथ साथ की ढेर सारी रोमांटिक मस्ती भी। तो
बॉम्बे से दमन तक का सफ़र ख़त्म हुआ है और मैं आकांक्षा को लेकर आया हूँ यहाँ के एक काफ़ी अच्छे होटल में जिसका नाम है डेल्फिन दमन। तो आइए अंदर चल के देखते हैं क्या और सरप्राइज प्लान कर रखा है। कैसा लगा आपको? It's beautiful, swan. You like it? Yeah. And that is what you would like. Jacuzzi. Jacuzzi inside your room, man. I'm glad that you like it. I love jacuzzi. Okay, all your surprise. I'm looking forward to it. What's more? देखिए चलते। वैसे इस कमरे में आकांक्षा का फेवरेट पार्ट रहा ये जकूजी। मेरे लिए यहाँ पे रोज पेटल बाथ तैयार किया गया है ताकि मैं और सुंदर हो जाऊँ, मेरा ग्लो और बढ़ जाए। मैं आकांक्षा को अपनी तरफ से ये मेरे कान पे वो ठीक है, वो ठीक है। और ब्लू कर्नो ऑर्डर। आई वांट टू गिव दिस रोज टू यू एंड आई वांट टू से कि रोज मैं तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ और रोज तुम ऐसे ही मुस्कुराओ और इस फूल की तरह महको। मुझे पता था कि शादी के बाद अक्सर इंसान खरगोश हो जाता है लेकिन यहाँ तो मैं पहले ही हो गया हूँ। गॉड इट्स सो नाइस। मैं बहुत हाईली इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मुझे ये सरप्राइज मिल रहा है एंड इट जस्ट शोज दैट हाउ मच ही रियली लव्स मी एंड केयर्स अबाउट मी। कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती मोहतरमा, क्योंकि आपको लाल गुलाब पसंद हैं तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे यहाँ पे एक लाल गुलाब का गुलदस्ता चाहिए और पता नहीं मैं क्यों देवानंद की तरह बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप एकदम पुराने ज़माने की हीरोइन लग रही हैं ये फूल लगा के। तो ये जो गुलदस्ता है लाल गुलाब का विच सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ लव टू यू, आई थिंक ये आपको लेना चाहिए। थकान भरे सफर के बाद बारी है रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर की। वैसे गौरव ने आकांक्षा के लिए खास डेट प्लान की है और टेबल को बेहद ही रोमांटिक तरीके से सजाया है। सोचा था कि मैं आउट ऑफ द होल वर्ल्ड वुड बी सो रोमांटिक। आई एम रियली हैप्पी एंड ओवरवेलम्ड एंड सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड एंड इंप्रेस्ड कि आप इतना कुछ कर सकते हैं। ये सब डेकोरेशन एंड एवरीथिंग, आई न्यू यू वर अ वेरी गुड आर्टिस्ट बट इतना। एक चीज प्लान की आपके लिए, बिकॉज़ यू लाइक बेकरी सो मच, सो मंगाया जाए वो मीठा आपके लिए। यू विल नॉट लेट मी डाइट, मतलब मेरा डाइट ऐसे करके। यू डोंट नीड टू डाइट यार, यू आर परफेक्ट द वे यू आर, सो यू डोंट नीड टू डाइट, चिल एंजॉय। इतना ही नहीं, इस केक पर आई लव यू लिखकर देखिए कैसे उन्होंने अपनी बीवी को एक रोमांटिक अंदाज में फिर एक बार प्रपोज किया। भाई वाकई आज तो आकांक्षा बहुत ही स्पेशल फील कर रही है, अब ऐसे में रोमांटिक डांस तो बनता है ना। बहुत दिन भर में मेहनत की है इसके लिए, बहुत
आई एम श्योर प्रिपरेशन किए होंगे, होमवर्क किया होगा. सारी मेरी फेवरेट चीज़ें थी, लाइक द क्यूजीन, द एम्बियंस, एवरी थिंग वॉज परफेक्ट. सो इसके लिए आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, गौरव खन्ना, यस आई लव यू. Thank you so much. And glad to know that. And I hope you keep on surprising me like this always. Okay. And the way you've made me happy, main bhi aapko isi tarah khush rakh paun. And thank you. अगर आप लोग ये सीरियल देखते हैं जिसका नाम है सास बहू और बेटियां, इसमें आपको सबकी सारी खबर लगेगी. और मैं जाता हूँ बाकी सास बहू बेटियां भी मुझे इसी तरह मुक्तियां देते रहे. वैसे मियां बीवी की आशिकी अभी खत्म नहीं हुई है. गार्डन की ताजी हवा में इनका प्यार और भी ज्यादा निखर कर आ रहा है. दोनों एक दूसरे में खो से गए हैं. चलिए गौरव और आकांक्षा से ही जानते हैं इनकी लव स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि ये कैसे और कहां मिले और कैसे इन्हें हुआ एक दूसरे से प्यार. जब हम दोनों की फैमिलीज ने एक दूसरे को अप्रूव कर लिया, आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज रियली श्योर दैट ही इज द राइट पर्सन फॉर मी. अच्छा, मतलब अगर फैमिलीज नहीं अप्रूव करती तो आप उससे शादी नहीं करती, हम ये कहना चाह रही हैं. अगर हम एक दूसरे को अप्रूव नहीं करते तो बात फैमिलीज तक पहुंचती ही नहीं ना. वी बोथ हैड अप्रूव्ड ईच अदर लॉन्ग बैक. मैं जब गौरव से फर्स्ट टाइम मिली थी तब भी गौरव का यही लुक था. एक्चुअली मैं हमेशा ये मैंने सुना है कि लड़कियां जो है वो आपके बेस्ट लुक से इंप्रेस होती हैं, तो मैं ऐसे गंदे लुक में घूम रहा था. मैंने कहा वो देखना चाहते थे कि मैं अपने अगर इस लुक में इंप्रेस हो सकती है फिर मेरे अच्छे लुक में. अकॉर्डिंग टू गौरव ये लुक अच्छा नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी दिस लुक इज रियली हॉट. लाइक या मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ कि हम लोग पहली बार मिले का. हम लोग मिले थे एक ऑडिशन में जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम आकांक्षा था, और मैं दूर से देख रहा था इसे और मैंने कहा इस लड़की से बात करनी चाहिए. तो मैंने ऐसे ही जैसे फर्स्ट टाइम यू इनिशिएट टॉक मैंने बात करनी शुरू करी, और बातों बातों में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ. कोयली इसने मुझे बताना शुरू किया कि टीवी में कैसे एंट्री लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले एड्स में जाना चाहिए फिर. और मैं सुनता रहा एक घंटे और मैंने कहा यार शी इज़ द फर्स्ट गर्ल हू इज़ टॉकिंग सो क्यूटली टू मी एंड शी इज़ टेलिंग मी हाउ टू गेट इन टू दिस लाइन. सो दैट वॉज माई स्पार्क टू बी अट्रैक्टेड टू हर. एंड तभी से मुझे पता चल गया कि इस लड़की में कुछ अलग बात है. एंड दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. भाई डिनर डेट हो गई, रोमांस हो गया, फिर एक बार इजहार भी हो गया, और अब थकान भरे दिन के बाद स्पा तो बंदा है, तो पति पत्नी ने साथ कराया स्पा और खुद को पैम्पर किया. हाँ इतना अच्छा वो था, इतना अच्छा फील हो रहा था मुझे, ऐसा लगा कि मैं स्कूल से घर लौटा हूँ और मम्मी पापा सुला रहे हैं, सो जाओ बेटा थपकी, तो मैं सो गया. तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया, मैं बहुत रिफ्रेश्ड फील कर रही हूँ. भाई वाकई दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक है. गौरव अपनी बीवी आकांक्षा से बेइंतहा प्यार करते हैं और आकांक्षा भी इन पर अपनी जान छिड़कती है. प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तो खूब रोमांटिक रहा जहां दोनों ने खूब एंजॉय किया. वाकई आप दोनों ने तो एक कपल गोल सेट कर दिया, और हम तो यही चाहेंगे कि आप सब भी गौरव और आकांक्षा से ले लीजिए रोमांस की ढेर सारी टिप्स.
से ब्यूरो रिपोर्ट।